हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया। जनता दरबार में कुमाऊं के दूर दूर के क्षेत्रों के अपनी फरियादी लेकर फरियादियों ने दीपक रावत के सामने अपनी समस्याओं को रखा है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि मुख्य रूप से जमीन से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया है। वहीं कुछ विभागों से जुड़े मामलों को संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों की फीस, टीसी, एडमिशन को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप देखिए, जनता मिलन में आज मैंने ये किया था कि जो ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो पिछली बार आए थे और उनका किसी डिपार्टमेंट से कोई संबंधित समस्या थी तो डिपार्टमेंट को भी बुला लिया, तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बुलाया था, पुलिस के भी इसमें कुछ मसले थे उनको भी बुलाया गया था। और स्कूल्स की आजकल कुछ शिकायतें मुझे इस तरह से मिल रही हैं कि कोरोना के दौरान जो स्कूल्स बंद रहे और कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी फीस नहीं दी है, तो उन बच्चों को फिर अब टीसीज बिल्कुल नहीं दिए जा रहे।